हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत और इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ खजूर का जो केक होता है, खजूर यानी कि सूजी के साथ जो मनाया जाता है, डेट्स का केक है। क्रिसमस स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती है ये, तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाएंगे केक को। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हमको 300 ml दूध लगा है और यहाँ पर जो देखिए मेन इन्ग्रीडियंट है डेट्स यानी कि खजूर। हमको यहाँ पर 1/2 kg लगे हैं। आप हमने काले लिए, आप कोई और दूसरे खजूर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमको लगेंगे ये काजू, ऑप्शनल है, कुछ लिए हमने, और नमक स्वाद अनुसार लगेगा। ये काजू बहुत ही, अगर आपके पास नहीं तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे सूजी यानी कि रवा हमको 1/2 kg लगा है, ये हमने साफ करके रखा है। तो ये सूजी का केक है दोस्तों, इसमें मैदा बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए मलाई यानी कि मिल्क क्रीम, ये ऑप्शनल है, ये हमने 100 ग्राम लिया है। ये आपके पास नहीं रहेगा तब भी चलेगा। और यहाँ पे 1 स्पून हमको कार्डामम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर लगेगा। और इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे देखिए हमको 5 टेबलस्पून घी लगेगा इसमें, और ये 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क लिया है हमने, और यहाँ पे कुछ किशमिश हैं जो हमको लगेंगे इसमें। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार में जो हमारे कुछ चीज़ें ग्राइंड कर लेंगे, जैसे कि दूध, मलाई, कंडेंस मिल्क और जो हमारे डेट्स हैं। डेट्स को हमने डी सीड यानी कि डेट्स के बीज निकाल के लिए हमने, और उसको धो के हमने साफ़ करके उसके बीज निकाल लिए थे। ये ब्लैक डेट्स हैं, हमने डाल दिए उसमें। मलाई, कंडेंस मिल्क डालेंगे अभी, और इसको ग्राइंड करके अलग रख लेंगे। इसका जो पेस्ट होगा हम इसको ग्राइंड कर लेंगे इस पूरे मिक्सचर को। दोस्तों ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि इसमें हमने मैदा यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे देखिए ये डेट्स का पेस्ट बन चुका है हमारे पास, इसको हम एक अलग पतीले में डाल के इस पेस्ट को अलग रख लेंगे। यहाँ पे देखिए, तो हमने ये हमारा डेट्स का मिक्सचर रेडी है, डेट्स का पेस्ट यानी कि खजूर का पेस्ट। दोस्तों ये खजूर की केक की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे हमने एक बाउल में थोड़ा जो बाकी का दूध ले लिया है, और यहाँ पे हमने इलायची पाउडर डालेंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। जब हमने ग्राइंड किया था तो दूध में से हाफ दूध को हमने लिया था। यहाँ पे देखिए हम सूजी में पूरा जो घी है ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे हमने जो खजूर के बाउल में, खजूर के पेस्ट के बाउल में हमने दूध और इलायची का पेस्ट डाल दिया, किशमिश डाल दी, और पूरा जो सूजी है घी वाली वो हमने ऐड कर दी। और इसको पूरा मिक्सचर को हम पूरा ऐड करना है, पूरे मिक्सचर को यहाँ पे देखिए हमने पूरा ऐड कर लिया है। दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, हम जब ग्राइंड कर रहे थे तो हमने हाफ मिल्क लिया था, बाद में बाकी हाफ लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक को हम पानी में घुलाएंगे और उसको ऊपर से इस पूरे मिक्सचर में डाल देंगे। तो ये हमारा जो मिक्सचर है, जो केक का मिक्सचर तैयार हो रहा है, अभी हम इसको पूरा मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब क्योंकि वो थोड़ा ड्राई था इसलिए हमने और 1 टेबलस्पून इसमें घी डाल के उसको मिक्स कर लिया। ये हमारा केक का मिक्सचर बिल्कुल ही रेडी है, इसको 30 से 60 मिनट तक अलग रख लेंगे। ये देखिए हमने उसको अलग रख लिया था, ये हमारा केक का मिक्सचर है। अब हम हमारा जो केक का वेसल तैयार करेंगे उसमें थोड़ा घी डालेंगे और उसको एक ब्रश से उसको पूरा फैला लेंगे। अगर आप थोड़ा सा आटा भी इसमें डाल सकते हैं ऊपर से, वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वेसल तैयार है, अब हम इसमें हमारा केक का मिक्सचर डाल लेंगे और ये हमारा बिल्कुल ही रेडी है। यहाँ पर आप अभी काजू जो है वो ऑप्शनल ऊपर लगा सकते हैं, हमने यहाँ पर लगाया नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हमने कुकर को गर्म कर लिया है और उसके अंदर हमने नमक डाला है। आप रेती यानी कि बालू जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुकर को रेडी कर लिया है सॉल्ट यानी कि नमक के साथ गर्म होने के बाद। यहाँ पे हमने इस छोटे से चीज़ को हम डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको जो केक का वेसल नीचे रखने के लिए, आप कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा गर्म होने के बाद ही हम जो हमारा केक का वेसल है उसमें रखेंगे। दोस्तों ये प्रेशर कुकर से हमने बनाया है। यहाँ पर देखिए हमने केक का वेसल इसमें डाल दिया है इस कुकर में, और इसको हम क्या करेंगे, शुरू के 10 मिनट पूरी आंच पे और बाकी के 40 मिनट्स धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। तो ये हमारा केक बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है, हम उसको नीचे निकाल लेंगे और आपको ठंडा होने के बाद ही उसको आपको कट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखिएगा। हमने थोड़ा जल्दी इसको कट कर लिया था। ये हमारा केक बिल्कुल ही रेडी है, सूजी यानी रवा का, डेट्स यानी खजूर का केक। तो हमने इसको कट कर लेंगे, तो आप पूरा ठंडा होने के बाद ही इसको कट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा केक बिल्कुल ही रेडी हो चुका है, अब हम इसके पीसीस करेंगे। दोस्तों ये हेल्दी इसलिए होता है क्योंकि इसमें मैदा यूज़ नहीं किया गया है, ना ही इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ किया गया है। ये एक सिंपल सा केक है, बहुत ही लजीज और टेस्टी भी होता है ये, क्योंकि उसमें खजूर भी है जो कि हेल्दी होता है। यहाँ पर देखिए हमने इसके पीसीस कर लिए हैं। दोस्तों मुझे यकीन आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर टैप कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, देखने के लिए धन्यवाद।